साल 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि वे पिछली सरकारों की पुरानी योजनाओं को ही नए नाम देकर वाहवाही लूट रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण भी सामने रखे जाते हैं, मसलन जवाहरलाल नेहरू के नाम से शहरी विकास की योजना को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अमृत योजना और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ग्राम ज्योति योजना शामिल है। अब नरेंद्र मोदी 2018 के जनवरी महीने में राजस्थान जा रहे हैं। यहाँ भी आरोप लग रहा है कि मोदी उस काम में अपने नाम का शिलान्यास पत्थर लगवाएंगे जिसे सोनिया गांधी 4 साल पहले ही अंजाम दे चुकी हैं। 14 जनवरी को बाड़मेर में प्रधानमंत्री नई रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे। इस रिफाइनरी का भूमि पूजन बड़े बड़े सपने दिखाते हुए 2013 में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने करवाया था, लेकिन हालात ये हैं कि 4 साल बाद हम 2 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिफाइनरी की जमीन पर शिलान्यास पत्थर से आगे एक ईंट भी नहीं लग पाई है। 2013 में राजस्थान सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम की साझेदारी में एक संयुक्त कंपनी बनाई थी। तब रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की कुल लागत 37,320 करोड़ रुपए होनी थी। तब यही कहा गया था कि 2017 में पश्चिमी राजस्थान न्यू दुबई बन जाएगा, ना लोगों को पलायन करना पड़ेगा और ना ही बाजरे मूंग की खेती पर जीवन यापन। लेकिन ये भी ठीक उसी तरह कांग्रेस का जुमला साबित हुआ जिस तरह 15 लाख रुपए खातों में आने का बीजेपी का दावा। दिसंबर 2013 में सत्तारूढ़ हुई वसुंधरा सरकार ने इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। 4 साल तक इस पर बयानबाजी होती रही। अब चुनाव से पहले 2017 की गर्मियों में रिफाइनरी की चर्चाओं ने ठीक उसी तरह जोर पकड़ा जैसे 2013 में। बहरहाल मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर वही काम करेंगे जो सोनिया गांधी पहले ही कर चुकी हैं। कांग्रेस भी मोदी के दौर को मुद्दा बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसकी कई वजहें भी हैं। बताया जाता है कि जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार राजस्थान का दौरा करेंगे। 14 जनवरी को रिफाइनरी का शिलान्यास और 22 जनवरी को झुंझुनू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम है। दरअसल 29 जनवरी को राज्य में अजमेर और अलवर लोकसभा सीट के साथ ही मांडलगढ़ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी को हिमाचल और गुजरात में जीत मिली है, लेकिन गुजरात में राहुलोदय ने सत्तारूढ़ पार्टी की नींद उड़ा दी है। फिर राजस्थान में वैसे ही माहौल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ बनता नजर आ रहा है। गुजरात की तरह राजस्थान बीजेपी भी अपने कामकाज से ज्यादा मोदी मैजिक पर निर्भर रहने को मजबूर है। यही वजह है कि 29 जनवरी के उपचुनाव से पहले 7 दिन में मोदी के 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। हालांकि ये चुनाव वाले जिलों में नहीं है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अटेंशन हाईजैकर तो है ही। फिर कार्यक्रम भी सरकारी है, लिहाजा कांग्रेस ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही राज्य निर्वाचन अधिकारी को प्रधानमंत्री की यात्रा के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने इसे कांग्रेस की खींच बताया है। कांग्रेस को इल्म है कि गुजरात में सिर्फ मोदी ने कैसे बीजेपी की हार को जीत में तब्दील कर दिया था, इसलिए पार्टी राजस्थान में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ये कोशिश भी हो रही है कि उपचुनाव से पहले कैसे भी करके मोदी को राज्य से दूर रखा जाए। आखिर इन उपचुनाव में जीत से कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में हवा बना सकती है।